प्लीज़ यार दोस्तों, यार आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप लोग मेरी वीडियो तो देखते हैं यार कम, उसको यार शेयर नहीं करते यार। प्लीज़ यार उसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, उससे ज़रा अपना भी मनोबल बढ़ता है। ठीक है, आप लोगों के सब्सक्राइब करने से, आप लोगों के शेयर करने से ज़रा मेरा मनोबल ज़रा बढ़ेगा और मैं आगे भी आपको कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यार प्लीज़ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये सकीने का पेड़ है, सब्जी खाते हैं इसकी। और ये बिल्कुल इतना नज़दीक हो रहा ना, ये रोड है देखो, ये रोड बिल्कुल, मैं इसके इसके इतना पास आ गया हूँ। ये देखो क्या इसकी सब्जी क्या लल्लन टाप होती है। हमने तो खानी है नहीं इस बार, इस साल तो खाएंगे नहीं हम इसकी सब्जी। ये देखो पूरा सकीना सकीना हो रहा है। वाह क्या मज़ा मज़ा आ गया यार सकीने में यार। वो देखो सकीना काफ़ी हो रहा है दोस्तों। ये कफुल्टा पहुंचा, तो ये कफुल्टा में भी देखो आड़ू का बगीचा और ऊपर ये गढ़महल। वाह ये देखो पूरा बगीचा है, आहा मज़ा आ गया। चलो आगे को चलते हैं यार, अभी आगे को देखते हैं आगे को क्या क्या मिलता है। ये ग्राम प्रधान जी निकल गए हैं, जो हमारे क्षेत्र की जो पटवारी हैं उनको लेकर के। तो ये मैं अभी कफुल्टा पहुँचा हुआ हूँ, तो ये देखिए यहाँ भी, आहा क्या आड़ू का बगीचा यार, बाई गॉड यार ये गढ़महल, ये वाह, ये मेहनत भी है यार। गांव वालों की बहुत मेहनत करते हैं यार, कसम से यार, ऐसी चीज़ें क्या हो जाता है। थोड़ा सा आगे चलता हूँ, उधर वो वाइट कलर के जो फूल हो रहे हैं सामने, वहाँ पर ये देखिए वाइट कलर के जो फूल हो रहे हैं, वहाँ जाता हूँ अभी, फिर वहाँ से शूट करता हूँ दोस्तों। ये देखो वाओ क्या बात है, जाने का मन ही नहीं कर रहा यार यहाँ से, कसम से यार। इस महीने में अगर यहाँ आओ तो यार कम से कम यार मैं समझता हूँ यार वो करें यार, एक बार गांव ज़रूर घूमें जहाँ पर ये जो बगीचे होते हैं, तो यार बगीचों में आना चाहिए यार। बाय गॉड दिल खुश हो गया कसम से, बिल्कुल मज़ा आ गया। चलो आगे चलते हैं, अभी आगे क्या क्या मिलता है ये देखते हैं दोस्तों। ये देखो खुमानी का बगीचा, और इधर आड़ू, खुमानी, गढ़महल, नाशपाती, ओहो ये देखो, आहा मज़ा आ गया गुरु। ये है कपुल्टा गांव, यहाँ गांव में ज़्यादातर मकान दूर दूर ही होते हैं, आप देख रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं बिल्कुल टॉप में हूँ, बिल्कुल ये देखिए टॉप में हूँ, मैं सबसे टॉप में हूँ। और यहाँ से नीचे बिल्कुल छोटी सी जो दिख रही है ना, हल्की सी रोड दिख रही है, मैं जरा जूम करके दिखाता हूँ अगर अगर आता है तो। नहीं यार दिखाई नहीं दे रहा कसम से, रोड नहीं दिख रही यार, इतनी दूर है, बहुत ही दूर है, कैमरे में नहीं आ रही है, सॉरी। तो मैं आपको ये देखो ये जंगल, आहा दोस्तों ये देखो यार कपुल्टा गांव पहुंच गया हूं मैं। ये देखो ये बगीचा है, देखो आड़ू का पूरा, ये मज़ा आ गया। ये देखो वाह यार, इस बार बर्फ़ नहीं पड़ी यार, नहीं तो बर्फ़ पड़ती तो और रसीला होता है आड़ू। ये देखो वाह मज़ा आ गया, ये देखो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे सामने जो है पूलम का पेड़ है, ये काफ़ी पूलम का पेड़ है, लेकिन काश्तकार इतना परेशान है अभी मेरे से, कह रहे यार वाह वाह मत कहो यार, ऐसा मत कहो, वो मत कहो, और ये है कि अगर तो यार नज़र लग जाएगी, क्यों, क्योंकि ऐसा है ये फूल टिकेगा नहीं टिकेगा, काश्तकार बहुत परेशान चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि यार तिवारी जी, इस बार नहीं बारिश हुई ना ही बर्फ़ पड़ी, तो इस फूल का टिकना, भैया फूल का टिकना ज़रूरी है, जब फूल टिकेगा तभी तो फल आएगा। तो भाई काश्तकार तो हर हर तरीके से जूझ रहा है ना यार, ये आप देख रहे होंगे। अभी आगे बहुत से वो हैं, लेकिन सब उसी पर डिपेंड है, ऊपर वाले पे। भाई सिंचाई तो पानी पीने के लिए तो कुदरत ने काफ़ी दे रखा है, तो यहाँ पर अभी आप ये देख रहे होंगे इधर पे, यहीं पर ये एक ना वो है स्रोत है, नीचे पूरा नाला है वो बहता है। लेकिन ऐसा है जो ऊपर कुदरत का जो है ना, ये ऊपर वाला जो है, ये अगर एक बार बरस जाता या बर्फ़ पड़ जाती तो जो फल होते हैं और रसीले हो जाते हैं। चलो आगे देखता हूँ अभी आगे क्या क्या मिलता है मेरे को, क्योंकि आज मैं आया तो खैरना के रास्ते हूँ,
अब जो लौट रहा हूँ, ये मैं लौट रहा हूँ कफुल्टा के रास्ते, ये इधर जाख वाले रास्ते से, वहाँ से सीधे रातीघाट निकलूँगा। चलो ठीक है, मिलते हैं रास्ते में, कुछ अगर ऐसा मिलेगा तो फिर शूट करता हूँ। ठीक है, मैं कफुल्टे से जब नीचे को आ रहा था तो यहीं पर हमारे दाजू मिल गए हैं, मोहन सिंह जी। तो ये आप देख रहे होंगे, ये स्प्रे कर रहे हैं जो फूल है वो टिका रहे। देखो कितनी मेहनत है, ये देखो ना आप लोग भाई। हमने तो हमारे सामने तो आ गया आड़ू, दुकान पे आया, हमने उठाया और खा लिया। तो ये है कि ये देखिए पूरी स्प्रे चल रही है जिससे टिके रहे। नहीं तो ऐसा है, अगर ऊपर कुदरत का थोड़ा सा अगर मेहरबान हो जाती, कुदरत थोड़ा सा अगर बारिश हो जाती या बर्फबारी हो जाती, ओले तो नहीं चाहिए, ओले तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ओले तो ख़त्म कर देंगे पूरा बगीचा जो है। तो बारिश चाहिए, तो अब यह बारिश हो नहीं रही। तो ये देख रहे होंगे आप, तो इसमें दवाई छिड़की जा रही है जिससे ऐसा है कि फूल टिका रहे और अच्छा फल आए। धन्यवाद दाजू आपका बहुत बहुत। तो दोस्तों आगे को निकलते हैं, तो आप देख रहे होंगे, आप लोग रमोला लोग हुए ना? अच्छा 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 चलो ठीक है। ये हमारे नवाब साहब हैं, तो ये इनका घर ये है, ये सामने है घर के बता रहे हैं। तो ज़रा ये भी ऊपर वाले के मार इन पर पड़ी है, ये ना ही बोल पाते हैं नहीं सुन पाते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करते हैं, इनकी मेहनत इनके बराबर शायद ही कोई मेहनत करता हो। ये कहते हैं ना काम के भूत, ये हुए हैं, इनको काम चाहिए अपना, जबकि बोल नहीं पाते सुन नहीं पाते, लेकिन उसके बावजूद भी सारी सारी जानकारी रहती है किसके यहाँ क्या है, किसके यहाँ क्या है, बस किसके यहाँ क्या हो रहा है, किसके यहाँ क्या नहीं हो रहा है, कौन एक्सपायर हुआ है, कौन किसके यहाँ क्या पैदा हुआ है, तो सारी जानकारी इनको रहती है ना। हर चीज़ मतलब ये है कि काश्तकारी के सारे गुण इनके अंदर हैं, और काम के तो मत ही कहो। ठीक है, तो अब ये मेरे साथ ही मोटरसाइकिल में चले हुए हैं, रास्ते में मिल गए थे, मैंने भी पिकअप कर लिया, अब आगे को निकल रहे हैं। दोस्तों कभी कभी हम ऐसे दोहराए में आ जाते हैं जहाँ पर ये होता है कि किससे पूछें। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब ये यहाँ पर लिखा है कफुल्टा 1 किलोमीटर, ऊपर वाला कफुल्टा या नीचे वाला कफुल्टा, क्योंकि ये भी है। ठीक है, ये भी कफुल्टा में आता है, ये भी कफुल्टा में आता है। एक रोड ये नीचे को गई है, ठीक है, एक रोड ये ऊपर को गई है, उधर को ये ऊपर को चलेगी, ये नीचे को चलेगी, और ये इधर जो रोड गई है ये जाग, यहाँ से 5 किलोमीटर जाग बता रही है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को जाना कहाँ है, और यहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा नहीं दिख रहा है मेरे को कहीं पर भी कि मेरे को कहाँ से जाना चाहिए करके। ये रोड कहाँ तक गई है ये भी पता नहीं है, क्योंकि आज मैं पहली बार आया हूँ ना यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ऐसा है, 4-5 मवासे हैं यहाँ पर भी। तो और ये गई है जाग को, जाग के रास्ते ही रातीघाट पहुँचूँगा मैं शायद, मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये कफुल्टा 1 किलोमीटर ये ऊपर 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 होगा शायद, कफुल्टा ऊपर भी है होने को, तो ये भी कफुल्टा में आता है नीचे वाला जो है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर किसका इंतज़ार करूँ, चलो रुका हुआ हूँ थोड़ी देर, देखता हूँ क्या है कैसा है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर आगे चलते हैं। मैं समझ रहा जाग के रास्ते से जाऊँगा। अच्छा, ये औरतें आ गई हैं, कुछ औरतें आ गई हैं, ठीक है, इनसे पता करते हैं। यहाँ से नीचे को जाऊँगा ना, ये वाले रास्ते से, ठीक है, मतलब वहाँ से भी कोई रोड कटी है क्या? ठीक है, मतलब ये रास्ता है ना रातीघाट को, चलो ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो आप ये देख रहे होंगे, ये रास्ते से जाना है मेरे को नीचे वाले रास्ते से, ऊपर वाला कफुल्टा का है। बांस के जो पत्ते हैं वो लेकर के जा रहे हैं, बांस के पत्ते, ऐसा है ये जो मवेशी हैं उनके नीचे से बिछाने के लिए, ये एज ए गद्दे का काम करते हैं। तो देख रहे हैं आप हमारी जो पहाड़ की महिलाएं हैं कितनी मेहनत करती हैं, जो ये प्लेन से में ना जो कदम रखने में भी थोड़ा सा ऊफ आह आउच कहते हैं ना ये, तो उनको एक बार यहाँ दौड़ा दिया जाए, एक आध बार जंगल अंगल इनको वो कर दिया जाए, तो पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत करती हैं।
कब उठी होंगी, कब क्या क्या किया होगा, बच्चों का भी करना है, गाय भैंसों का भी करना है, जंगल भी जाना है, जंगल से आना है, फिर अभी गाय भैंसों को पानी पिलाना है, बहुत काम होते हैं यार। चलो कोई नहीं, मेहनत करना अच्छी बात है, ठीक है, उससे जो शरीर है फिट रहता है। हमारे पहाड़ की जो महिलाएं हैं कभी मोटी नहीं मिलेंगी आपको, तो यह है कि मेहनत करनी चाहिए। तो मैं भी निकलता हूँ ये नीचे वाले रास्ते से। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये कच्ची रोड है, कच्ची रोड से मेरे को ऐसे करके वो उधर लास्ट निकलना है यहाँ, फिर वहाँ से ऐसे नीचे घूमते हुए ये नीचे, ये सामने जो है ये पाडली गांव है ऊपर को, ये पाडली गांव है, ये पाडली गांव, और ऊपर चौसा तो इधर को रहा साइड। चलो दिखाएंगे किसी दिन आपको, ऐसी बात नहीं, सब जगह दिखाएंगे, ठीक है। वो तो ऊपर तो हरिहर तपा है उधर, तो अभी मेरे को ये काफ़ी लंबा जाना है, कच्चा कच्चा रास्ता है आप देख रहे होंगे। तो यहाँ से ये नीचे नीचे निकलना है, नीचे तो पक्की रोड है वो, तो निकलते हैं फिर, ठीक है। ये देख रहे होंगे आप, बिल्कुल सिंगल रोड है, एक बाइक के निकलने के तक जगह नहीं है, तो वहाँ से गाड़ी आ रही तो मैंने गाड़ी यहाँ पर रोक ली है, तो मैं पहुँच ही गया हूँ, ये लगभग यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिसोर्ट हुआ करता था, वो तो बह गया आपदा में, तो अभी मैं चला हुआ हूँ, ये पहुँचने वाला हूँ राधी घाट में। नाला देख रहे होंगे आप, यहाँ पर कभी एक कैंपिंग साइट हुआ करती थी, तो मैं अभी ये राधी घाट घुना से आगे हूँ, तो यहाँ पर एक कैंपिंग साइट हुआ करती थी। 2021 में जो आपदा आई, ओहो सब बहा के ले गई, कुछ भी नहीं बचाया यहाँ पर, इतना कुछ था। ये देखो पूरा रोखड़ बना दिया इधर पूरा, ये देखो उधर आड़ू का बगीचा है, वो भी आधे से ज़्यादा साफ कर दिया। चलो अब निकलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ राती घाट, तो अब यहाँ से सीधे निकलते हैं घर को। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रा बताना यार, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें यार, ज़्यादा से शेयर करेंगे तो और जगह भी पहुँचेगी, तो लोग भी देखेंगे यार गांव में कैसे लोग खेती करते हैं, कैसे बगीचे तैयार करते हैं, कितनी मेहनत होती है। तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें यार, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।